हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मेरा नाम है तरुण। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं HP के कुछ लैपटॉप के बारे में। कुछ ऐसे लैपटॉप्स हैं जो रिसेंटली फ्लिपकार्ट पे जो है बहुत ऐसे मतलब एकदम से जो है फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग पे शो होने लगे हैं। और HP के ओमेन 15 जो लैपटॉप है वो रिसेंटली लॉन्च भी हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो क्या हुआ है कि लैपटॉप मार्केट में कभी भी जो है बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करके लैपटॉप को लॉन्च नहीं किया जाता है। और जैसे कि मोबाइल में या अदर डिवाइसेज में, अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हो, एक इवेंट करते हो, एक कीनोट करते हो और उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो। बट क्या होता है कि लैपटॉप मार्केट में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। एकदम से जो है फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग आ जाती है या एकदम से जो है पता चलता है कि लैपटॉप लॉन्च हो गया है। तो कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले ही जो है मैंने इसकी लिस्टिंग देखा था और इसके बारे में मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म करना मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे HP पवेलियन के लैपटॉप के बारे में। इसका मॉडल नंबर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लैपटॉप जो है कुछ टाइम पहले जो है मैंने फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग पे देखा था और मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिस्टिंग में इसका प्राइस जो है वो 47,300 दिया हुआ है। मतलब इतना कम प्राइस। और ये जो लैपटॉप, इसके स्पेसिफिकेशन जैसा मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ये एक राइजन 5 4600H बेस्ड लैपटॉप है जिसमें NVIDIA के 1650 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। सो इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ क्या ये लैपटॉप 47,300 में मिलने वाला है, ये मुझे भी विश्वास करना में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर ये इस प्राइस में आ जाता है तो ये बिल्कुल गेम चेंजर हो जाएगा और इतने बेटर डील कोई भी लैपटॉप नहीं दे पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट की पुरानी स्ट्रेटजी रही है वो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स को जो है थोड़ा सा प्राइस उनका जो है नीचे कर देता है, मतलब थोड़ा प्राइस कम करके दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये 50s के अराउंड में भी ये लैपटॉप आपको मिलेगा। लेकिन तब भी अगर ये 50s के अराउंड में भी आपको ये मिलता है तो भी ये वन ऑफ द बेस्ट डील होगी 2020 की इन द लैपटॉप मार्केट, क्योंकि इससे बेटर परफॉर्मेंस और इससे वैल्यू फॉर मनी कोई लैपटॉप नहीं होने वाला है अराउंड 50s की कैटेगरी में भी। तो फटाफट से मैं आपको इसके सबसे पहले इसकी स्पेक्स बता देता हूँ, क्या क्या स्पेक्स इसके अंदर लगी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके प्रोसेसर की। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो एक राइजन 5 का 4600H प्रोसेसर है जिसकी बेसिक क्लॉक स्पीड 3 GHz है और जो कि टर्बो बूस्ट के साथ 4 GHz जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह कि इसमें NVIDIA का GDDR6 बेस 4GB VRAM के साथ 1650 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गेमिंग में देने वाला है आपको। अब आगे बात करते हैं इसके रैम की। तो इसमें 8GB की 3200 MHz बेस रैम लगी हुई जो कि बहुत फास्ट है। हार्ड डिस्क की तो इसमें 1TB की SSD आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें आपको NVMe SSD नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक एम्प्टी स्लॉट मिलेगा जिससे चाहे उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। रैम की जहां तक बात करें, 16GB तक रैम इसकी एक्सपैंड कर सकते हैं। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ स्क्रीन आ रही है जिसकी ब्राइटनेस 250 nits है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 45% NTSC के साथ ये स्क्रीन आ रही है, तो ये आपको बहुत बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस देने वाली है। जहां तक बात करें इसमें वाईफाई की, तो इसमें एक वाईफाई AC और ब्लूटूथ 5.0 आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके डायमेंशंस की, तो ये बहुत हैवी लैपटॉप में नहीं आएगा। इसका वेट 2.04 kg है, मतलब बहुत लाइट वेट लैपटॉप है ये गेमिंग लैपटॉप के मामले में। सो इन धारित स्पेसिफिकेशंस के साथ ये 47,300 की प्राइसिंग में अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने विश लिस्ट में जरूर डाल दीजिए अगर आप कोई लैपटॉप लेने वाले हैं या आप लैपटॉप लेने का प्लानिंग कर रहे हैं इस प्राइस कैटेगरी में, क्योंकि ये लैपटॉप जिस दिन भी अवेलेबल होगा उसकी एक्चुअल प्राइस आपको पता चल जाएगी। और अगर ये इस प्राइस या इसके अराउंड अबाउट में 50s के रेंज में भी अगर आता है तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी रिकमेंडेशन आपके लिए यही लैपटॉप रहेगा। ये बहुत बढ़िया डील रहने वाली है। HP बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ ला रहा है। नए नेक्स्ट जन राइजन प्रोसेसर इसमें लगे हुए हैं जो कि बहुत बढ़िया प्रोसेसर हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये लैपटॉप 50s के अराउंड में भी अगर आपको मिलता है तो ये बहुत अच्छा जो है आपके लिए ऑफर होने वाला है, बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। तो कीप अ चेक ऑन दिस लिस्टिंग। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जरूर से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मुझे। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।